चलिए आगे चलिए। स्वागत है दोस्तों मेरे एक न्यू ब्लॉग में आपका। तो दोस्तों मैं इस समय पहुंचा हूं रोहिणी, ठीक है। तो रोहिणी में लगा हुआ है रोहिणी फैमिली फेयर, ठीक है। तो पहली बार लगा हुआ है रोहिणी दिल्ली में, ठीक है। तो क्या इसकी टिकट है, क्या लोकेशन है, जैसे यहाँ पे पहुंचना है आपको, कौन सा मेट्रो स्टेशन नज़दीक है, फुल बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। बस आपको रहना है वीडियो के अंत तक। फिलहाल मैं अभी मेन गेट पर हूँ, चलते हैं अंदर, एंट्री पता करते हैं टिकट क्या है, क्या अंडर वाटर की टिकट है, ठीक है। तो बने रहना आपको वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों ये है मेन गेट, वेलकम टू अंडर वाटर, ठीक है, एस ई ए वर्ल्ड, ठीक है। और अंडर वाटर फिश टनल भी लगा हुआ है इसमें, रोहिणी फैमिली फेयर 2024, ठीक है। ये है मेन का बाहर रोड। तो बढ़ते हैं अंदर, क्या टिकट है, चलिए। तो दोस्तों मैं अंदर बढ़ चुका हूँ, आप देखिए कितना प्यारा सजा रखा है दोस्तों। टिकट की बात की जाए तो 100 रुपये टिकट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मेट्रो स्टेशन के नज़दीक बात की जाए रिठाला है, ठीक है। रिठाला से आपको कम से कम 2-2.5 किलोमीटर पड़ेगा, आप पैदल नहीं आ सकते हैं, आपको ई रिक्शा करना पड़ेगा, ठीक है। टिकट की है 100 रुपये और बाइक की है 20 रुपये पार्किंग चार्ज और कार की है 50 रुपये, ठीक है। तो बढ़ते हैं अंदर, चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों किस तरह से प्यारा सा सजा रखा है। दोस्तों ये है टिकट घर, चलिए हम टिकट ले लेते हैं। और 3 साल से बच्चे का पूरा टिकट लग गया, 3 साल से नीचे यार क्या फ़ायदा भाई, 3 साल से तो टिकट तो लगना ही लगना है, 100 रुपये टिकट है। तो दोस्तों अंदर तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ टनल यार, चलिए बढ़ते हैं आगे। वाह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन शोर शराबा कुछ ज़्यादा हो रहा है यार। वाह आते ही ठंडी हवा मिल गई, वो बहुत है। तो गाइस देखिए इस तरह का जो टनल है, काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, जो कि हम खूबसूरत टनल बनाया हुआ है दोस्तों। इससे पहले जो अगर आपने मेरा ब्लॉग्स नहीं देखा है, जो कि नोएडा सेक्टर 21 में लगा था, द्वारका में लगा था, गुड़गावा में भी अभी लगा था सेक्टर 29 में, तो डिस्पेंसर लेकिन मिल जाएगा आपको, फटाफट उसको भी देख लीजिए। लेकिन काफ़ी खूबसूरत टनल बनाया हुआ है दोस्तों। इस तरह से मछलियाँ हैं, यानी कि बीच में मछलियाँ ग्लास लगा रखा है और साइड में जो ये पोस्टर लगे हुए हैं, ओनली बीच में जो है ग्लास लगा रखा है, और ऊपर भी देखिए काफ़ी खूबसूरत है। चलिए और बढ़ते हैं आगे फटाफट। और उसके अलावा दोस्तों कूलर भी लगा रखे हैं, जो कि आपको गर्मी नहीं लगेगी, ये देखिए गाइस, ठीक है, दो हैं। वाह चलिए बढ़ते हैं इधर और आगे, बहुत अच्छा। यहाँ क्या, वाह दोस्तों यहाँ तो और ही बहुत बढ़िया खूबसूरत है। वाह दोस्तों यहाँ का नज़ारा देख के मज़ा आ गया, बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत गाइस, इसके ऊपर देखो मछलियाँ हैं, ये देखो। देखिए दोस्तों बहुत ही मज़ा आ गया, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बहुत ही प्यारा। देखिए दोस्तों ऊपर ये गाइस, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मछली, वाओ देखिए।
ये देखो काफी खूबसूरत है। अशोक विहार तक जा सकते हैं। तो उससे पहले द्वारका मोड़ गया, सेक्टर 21 नोएडा में गया, ठीक है, और गुड़गांव में भी देखा जाके, लेकिन उतना खूबसूरत नहीं था जितना खूबसूरत रोहिणी में है, ठीक है। तो बढ़ते हैं मेला के अंदर, ठीक है, मैंने एंट्री कर ली है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह से आपको शॉपिंग करने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ तो ये लगता है ये अच्छा, यहाँ पे कुछ ये डेयरी वेरी है, ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, ये देखिए यहाँ पे सेल लगी हुई है 200 रुपये। अच्छा यहाँ तो प्लेटें हैं, ठीक है, अच्छा 200 रुपये 250 रुपये सेल लगी हुई है। इस तरह के आपको ये प्लेटें मिल जाएंगी डिजाइनिंग की, बहुत ही सुंदर है। चलिए और बढ़ते हैं आगे, इधर सेल 40 रुपये 50 रुपये सेल लगी हुई, ठीक है। और इधर क्या है, इधर कुछ इस तरह के पर्स हैं, ठीक है, तो पर्स मिल जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, और इधर क्या है, शैम्पू है भैया, क्या है शैम्पू है, ये शैम्पू कंडीशनर, शैम्पू आपको मिल जाएंगे दोस्तों इस मेले में। अच्छा जी, हिमालय के शैम्पू है 50% ऑफ, बाय वन गेट वन पे। ओके ओके, ब्लेंड मिल जाएगा, ड्यू मिल जाएंगे, बाय वन गेट वन पे। ओके ठीक है, थैंक यू भैया जी। तो गाइस फटाफट आइए रोहिणी में, अभी ये 30 अप्रैल एक महीना चलने वाला है मेला। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, और ये देखिए लेडीज़ के ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ये क्या है 50 रुपये, अच्छा ठीक है। तो भाई साहब बहुत ही प्यारे प्यारे, ये देखिए गाइस बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। और ये क्या है, अच्छा जी ये देखिए, ठीक है, जो भी बहुत ही खूबसूरत है भाई साहब। और बढ़ते हैं आगे, और ये देखिए इस तरह का आपको ये सब काम मिल जाएगा। अरे चाबी के छल्ले वाले हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इधर बच्चों के खिलौने भी आपको मिल जाएंगे गाइस, ये लीजिए दोस्तों, भी बच्चों के खिलौने, लो जी नमो भारत ट्रेन मिल जाएगी आपको, ये देखिए बहुत बढ़िया बुलेट ट्रेन है, खिलौने हर माल 100 रुपये में। तो भाई 100 रुपये में आपको हर माल खिलौने का मिल जाएगा बच्चों का, बहुत बढ़िया है ये ना। भैया स्टार्टिंग रेट क्या है पर्स का, 350 स्टार्टिंग 300 रुपये का। अच्छा तो गाइस स्टार्टिंग 300 रुपये का भैया बता रहे हैं, बहुत ही प्यारे खूबसूरत पर्स है ये देखिए, ठीक है भाई। लेडीज़ों का तो शॉपिंग खूब भर के जी भर के करो आप आके, देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है दुकान, तो सजी वजी हुई है, लेडीज़ों के तो मज़े ही मज़े हैं, ये देखो आ जाओ फटाफट शॉपिंग करो आके, देखो जूड़ा वूड़ा। इस मेले में आपको आदिवासी का तेल भी मिल जाएगा, मैम क्या रेट है, वो 1500 का है, 1200 में दे रहे हैं, कोरियर से मंगाने से 1500 का है, 1200 में दे रहे हैं। तो लो दोस्तों जी लिपस्टिकें भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, कई नोक पॉलिश लिपस्टिक, भैया क्या क्या रेट के हैं, 50 रुपये। लो जी 50 रुपये में नोक पॉलिश, 50 छाटो भाई फटाफट आ जाओ, लेडीज़ के बहुत मज़े हैं यहाँ पे। ये लो दोस्तों 100 रुपये में, आइए फटाफट आइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल कमेंट करके आएंगे, बोले 100 रुपये 3 दे देंगे। और लो दो आपको ऑफर मिल गया, और क्या चाहिए, 150 में 2 भी दे दूंगा आपके चैनल को, सब्सक्राइब करके आएंगे। ये लो जी, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम वीडियो देख के आए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, भैया ने इतना कह दिया बहुत खुशी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों इस तरह की तो मार्केटिंग मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है, शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं, कपड़े लेते भी ले सकते हैं। अब आपको हम दिखा देते हैं झूले वूले, ठीक है भाई, झूले भी आए हुए हैं, कौन कौन से झूले आए। तो दोस्तों ये तो 50 रुपये की टिकट है, ठीक है, बच्चों की। बाकी ड्रैगन ट्रेन की बात की जाए तो दोस्तों ड्रैगन ट्रेन टिकट है इसके 100 रुपये, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा और आगे बढ़ते हैं गाइस, अच्छा अच्छा ये लीजिए दोस्तों, ये क्या है, इसकी टिकट 50 रुपये, सबने अपना अपना रेट लगा रखा है, ठीक है गाइस। अच्छा ये लीजिए, वाह स्विमिंग पूल भी बना रखा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया,
₹250 की टिकट है भाई, बच्चों को आइए इंजॉय कराइए, ठीक है। और इसके बाद ओहो यहाँ पे दोस्तों गाड़ी भी आप चलाइए इंजॉय कीजिए। इसकी टिकट है, इसकी टिकट है दोस्तों ₹100 की भाई। गाड़ी चलाइए, ठोकिए एक दूसरे को, ये लीजिए ठीक है ना, ये देखिए ₹100 टिकट है और ये टिकट ₹100 की भाई साहब, बहुत सुंदर। इसकी टिकट है ₹60 की, ठीक है चलो इसका कुछ तो कम है। तो दोस्तों इसकी टिकट भी ₹100 है। बाकी दोस्तों ये छोटी सी ट्रेन है, इसकी टिकट ₹50 की। तो भाई ये छोटी सी टिकट सॉरी छोटी सी ट्रेन ₹50 में। चलिए दोस्तों भूत बंगला के पास चलते हैं। तो दोस्तों ये है भूत बंगला, आप इसमें भूत भी देख सकते हैं। इसकी टिकट की बात की जाए तो इसकी टिकट है ₹50, ठीक है गाइस। ये देखिए ₹50 की टिकट है भूत बंगला, देखिए बहुत सुंदर। तो गाइस ₹100 में आप अपने बच्चे को गेमिंग ये चीज़ें दिखा सकते हैं, इंजॉय आके कराइए फटाफट। ये देखिए दोस्तों ये चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी, ठीक है इंजॉय कीजिए ₹100 में ओनली। तो भैया कोई टाइमिंग है कि ये मतलब 4 से 5 मिनट, 4 से 5 मिनट में आपको ये देखने में मिल जाएगा भाई इस तरह से। ये देखिए जैसे बच्चे देख रहे हैं ओनली ₹100 में भाई, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। चलिए बढ़ते। तो दोस्तों ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, सही बताऊं तो ये तो मैंने पहली बार देखा है किसी मेले में। तो ये बताया जा रहा है गोलो घूमते हुए जो है ऊपर तक पहुँचेगा यार, तो इसकी टिकट जो है ₹100 है। तो मैं अभी इसका दिखाऊँगा इसके ऊपर तक कैसे पहुँचेगा, ठीक है बस थोड़ा वेट करना, मैंने पहली बार देखा ये चीज़ अभी। तो ये देखिए दोस्तों साइडों में जो है बांधा जा रहा है, ठीक है यहाँ बैठाया जाएगा और ये गोल गोल घूमते हुए जो है ऊपर को जाएगा भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस ये देखिए स्टार्ट हो गया है, लटक गए हैं। अब धीरे धीरे जो है नीचे आ जाएंगे, तो डेढ़ ऊपर जाने में डेढ़ आने यानी 3 मिनट लगना है और ₹100 टिकट है, बहुत ही अच्छा। राम जी के लड्डू मिल जाएंगे, ठीक है इसके अलावा सिक्किम के फर्स्ट फूड भी मिल जाएंगे आपको खाने को, जो कि दोस्तों रेट जो है नीचे देखिए रेट लगा रखा हुआ है ₹70, 80, 120 रुपये, 140 रुपये, ठीक है गाइस ये देखिए सिक्किम फास्ट फूड। धुआं वाले बिस्कुट मिल जाएंगे आपको दोस्तों ₹100 में, 2 छल्ले मिलेंगे आपको, जो इनाम निकलेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है चूल्हा भी रखा हुआ है। तो दोस्तों मेले से बाहर जो है आपको भेलपूरी पापड़ भी मिल जाएंगे खाने को, ठीक है जो कि बिल्कुल ज़्यादा रेट नहीं है, जो अंदर रेट था ठीक है ओनली ₹10-20 में आपको मिल जाएंगे अंदर। तो भाई अंदर की बात अलग है, ठीक है। कैसा वीडियो लगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें शेयर करें, ठीक है। और मैं बता देता हूँ नजदीक मेट्रो स्टेशन रिठाला है, रिठाला से 2.5 किलोमीटर यहाँ पे आपको पड़ेगा, ये जापानी पार्क में लगा हुआ है, ठीक है गाइस। और ₹100 की टिकट है इसकी, ठीक है एंट्री टिकट है, अंडर वाटर देखते हुए आप देखते हुए अंदर मेले में एंट्री कर लेंगे ₹100 में ओनली, कोई अलग नहीं है, पहले अलग कर रखा था लेकिन अब जो है ₹100 एंट्री कर दी है, ठीक है आप अंडर फिर। लेकिन दोस्तों बहुत मस्त आ गया, मज़ा आ गया, द्वारका मोड़ नोएडा और एंड गुड़गांव में उनसे कई ज़्यादा अच्छा मेरे को लगा यहाँ पे, ठीक है ना बहुत ही अच्छा लगा हुआ, बहुत ही सुंदर है। आप आइए जापानी पार्क, ठीक है और नज़दीक मेट्रो स्टेशन रिठाला, ठीक है वहाँ से 2.5 से 3.5 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है पहले बता रहा हूँ, पैदल का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है आप वहाँ से ई रिक्शा कर सकते हैं, ठीक है। और ये 30 अप्रैल तक चलने वाला है, ठीक है दोस्तों, और ये 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चलेगा, ठीक है शाम के 5 से रात के 11 बजे तक, ठीक है। और पार्किंग की बात की जाए तो ₹20 बाइक की है और ₹50 गाड़ी की पार्किंग है, ठीक है गाइस। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक करें शेयर करें, ठीक है बाय बाय, जय हिंद।